शिखर धवन ने इस मुकाबले में 99 गेंदों में 97 रन की बेहतरीन अर्धशतकीय पारी खेली थी। तो दोस्तों उन्होंने अपनी इस पारी में 10 चौके और 3 छक्के जड़े थे, लेकिन इसी मैच में एक चौका जड़ते समय धवन के मांसपेशियों में खिंचाव आ गया है, जिससे यह कयास लगाए जा रहे हैं कि धवन अपना दूसरा वनडे मुकाबला नहीं खेल सकते हैं। तो फिलहाल यह देखना दिलचस्प होगा कि धवन दूसरे वनडे में जो है शुरू होने से पहले फिट हो जाते हैं या नहीं। तो आपको बता दें कि 22 जुलाई को खेले जा चुके जो है वेस्टइंडीज बनाम भारत के बीच पहले वनडे मुकाबले में भारत ने इस रोमांचक मुकाबले को 3 रनों से अपने नाम किया। तो यह मुकाबला जो है त्रिनिदाद के पोर्ट ऑफ स्पेन में खेला गया था। इस मुकाबले में भारतीय टीम के कप्तान शिखर धवन ने बेहतरीन बल्लेबाजी की, लेकिन उनको इस बात का काफ़ी अफसोस हुआ कि वो अपने शतक से मात्र 3 रनों से चूक गए। तो मुकाबले की बात करें तो भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवरों में 7 विकेट खोकर 308 रन बनाए। टीम की ओर से कप्तान शिखर धवन ने 99 गेंदों में 97 रन की अर्धशतकीय पारी खेली। उन्होंने अपनी इस पारी में 10 चौके और 3 छक्के जड़े। हालांकि वो अपने शतक जो है पूरा करने से मात्र 3 रनों से चूक गए। उनको जो है गुडा केस मोती ने अपना शिकार बनाया। तो दोस्तों इस पूरे मामले पर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।